शादी हो ना, अभी वो स्टॉप करी थी क्यों, क्योंकि उसमें मुझे कुछ खास, मेरा भी रिएक्शन इतना खास नहीं आ रहा था, तो ऑब्वियसली जब मेरा खास नहीं होगा तो आपका, यार आपका आप जानते हो, लेकिन मेरा इस पर इतना कोई खास रिव्यू नहीं था। अब इनका जो स्टार्ट करने लगा हूँ ना, ये इनका नन प्रैंक है, नन मूवी भी बहुत ज़्यादा फाड़ू है, बहुत ज़्यादा लेवल पे है। इवन के मैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड हूँ, मुझे भी उस वीडियो ने 3 to 4 times स्केयर्ड किया, और टू मच स्केरी वीडियो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले उसको लाजिम देखें, ताकि इस दुनिया से जल्दी छुट्टी हो जाए उनकी। अभी इसको देखते हैं, यार मजाक कर रहा था, अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है। और ये नन्हे, और वो चले गई, और ये एक और आई है, और ये अच्छा। अब ये इस वीडियो के अंदर स्कैरी थिंग पता है आपको क्या है, लाइक रिलीजन्स का सीन होता है ना, सो ये टी को जैसी लाइक उल्टा करते हैं ना, तो उससे स्केयर आ जाता है कि ये जो है इवल वन है, लाइक दैट दी कम इवल वन। और वो उसकी गर्लफ्रेंड गिर गई, गर्लफ्रेंड गिरी, उसने पैसे उठाए, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं उठाया उसने पैसे। ओ यार, उसने पैसे उठाए, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं उठाया। यार आप मतलब देखो तो सही, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा है और ऐसा ही है। मतलब आप ये वीडियोस बनाते हो ना, वो टिकटॉक पे मोस्टली आपने देखा है, चक्के इस तरह ही पैसे हाथ में यूँ दिखाते हैं, और वो लड़की एक मोटे गोलगप्पे के साथ होती है, एकदम से जो है वो एक चूड़े चमार के पास चले जाती है। मोस्टली टिकटॉक देखो छक्का प्लेटफॉर्म है और कंजर खाना है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये टिकटॉक तो बोलना जरूरी है ना, बिकॉज टिकटॉक छक्के थे, छक्के हैं और छक्के ही रहेंगे। वो स्टार्ट करते हैं, अंदर से गुस्सा आता है टिकटॉक के लिए। नन है, अच्छा ये लिफ्ट वाला बहुत स्केरी लगता है मुझे, लाइक आप सजेस्ट करो कि आप इसके अंदर इस लिफ्ट में हो और आपके साथ ऐसा सीन हो, इस तरह देखोगे मज़ा आएगा। और लाइट्स ऑफ हो गई, समथिंग गालियां दे रहा है। ओ शिट, फक फक, ओह टू मच स्कैरी, लाइक हार्ट अटैक का भी चांसेस होता है जिस तरह के ये प्रैंक्स करते हैं। जलाल वॉज वेरी स्कैरी प्रैंक्स। एक बंदा है जो वॉशरूम के बाहर इंतजार कर रहा है, जेंट्स वॉशरूम में से नन निकली है जिसको वो देखते हुए जा रहा है, और उसने देखा कि नन जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है। वॉशरूम भी नहीं करा इवन के, मुझे लगता है इसका पेंट में निकल गया हो सकता है इसका पेंट में निकल गया हो। जिस तरह का ये सीन था ना, अगर आपके साथ हो, मैं फिर यही कहता हूँ कि जब भी इस तरह की वीडियोस देखते हो ना, तो कभी सपोज किया करो कि देखने में बड़ा मज़ा आता है, हंसी भी आती है, बट कभी खुद को आपने सपोज करा है कि इन केस अगर इस बंदे की जगह आप होते तो आप डरते? आप फिर कहेंगे वही बड़ी बातें, नहीं मैं तो नहीं डरता, मैं तो चमाट मार देता। बट टू बी ऑनेस्ट, जब सामने होता है ना, तो अच्छे से अच्छा बंदा जो है ना, फिर वो करता ये लाजिम है। सो कभी भी खुद को ये मत कहना कि मेरे साथ होता ये तो ऐवें ही है, ये प्रैंक्स रियल करते हैं और अच्छे प्रैंक्स करते हैं, स्कैरी प्रैंक्स होते हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं, क्या कहते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इस प्रैंक के अंदर ना आपको मैं समझाऊं कि सीन क्या है। ये ग्रेवयार्ड आए हुए, मींस ये कि इन उर्दू, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ग्रेवयार्ड का मतलब नहीं पता होगा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ सब देखते हैं ना तो सबको समझ आए। ग्रेवयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। तो ये अभी उसमें आए हुए थे, किसी के लिए आए हुए थे प्रे करने के लिए, बट सडनली इन्होंने देखा कि एक नन है जो वाइट में, वाइट नन तो मतलब ये समझो पॉजिटिव में आती हैं, बट जैसे ही वो नन पीछे जाती है और ब्लैक वन कम होती है ना, सो ये कहते हैं दी एवल नन वॉज कम, और आगे इंग्लिश नहीं आती उसकी के क्या कहेंगे, नन मतलब कि मेरी रूह निकालने के लिए आ गई, ईवल वन नन ना, तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ये इस तरह का स्केरी प्रैंक है, ये मोस्टली वो समझेंगे जो फॉरेनर है। और ये आ गई एक एक करके, एक एक करके, एक गिर गया, एक ने फूल भी मारने की कोशिश करी, और ये जिसको जहां जगह मिलती वो वहां भागता है। अब 4 मिनट में हम चले गए, तो इनकी एक 5वीं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ, लाइक थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे ना, अच्छा रहता है, फिर हम नेक्स्ट डे किसी और को कवर करेंगे। अभी इनकी मैं चलाने लगा हूँ बॉम्ब प्रैंक, जिसमें ये बैग्स फेंकते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने इसमें, अच्छा पहले ये बता दूँ,
ये बॉम्ब प्रैंक इन्होंने जलालस ने इसलिए करा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लाइक टेररिस्ट कहने लग गए थे। सो इन्होंने ये भी दिखाया कि सीरियसली पीपल्स के जो है ना वो दिल के अंदर ये डर बैठ चुका है कि हाँ ये भाई हैं ही दहशतगर्द, जो कि हम नहीं अमन पसंद लोग हैं, बट जैसे ही ये बैग फेंकेंगे हर कोई भाग जाता है। उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।